वेलकम स्टूडेंट्स, अब आते हैं अध्याय दो। तो देखिए अध्याय दो क्या है, दो चरों का रैखिक समीकरण। इसका मतलब हमें समझ में क्या आ रहा है, दो चर यानी कि दो वेरिएबल होगा। तो चर वेरिएबल यानी क्या होगा, दो अननोन वैल्यू, अज्ञात मान। जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल एक्स और वाई को ले लेते हैं, ठीक है। एक्स इसकी जगह कोई भी मान मैं रख सकता हूँ, वाई की जगह भी कोई भी रख सकता हूँ। तो x और y दो अज्ञात मान है, ठीक है, अननोन नंबर है, तो इसको हम चर बोलेंगे, वेरिएबल, ठीक है। दो चरों का रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण किसे बोलते हैं, देखिए रैखिक समीकरण यानी कि लिनियर इक्वेशन, जिस समीकरण में जो चर का घात होगा, ठीक है, उसका हाईएस्ट घात एक हो, ठीक है, उसका डिग्री एक हो। तो जैसे कि x प्लस वाई बराबर पांच, इसका घात क्या है एक, इसका भी घात क्या है एक, इसका मतलब ये रैखिक समीकरण है, ठीक है। और अगर ऐसा होता x का घात दो धन y बराबर पांच, तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है, इसका हाईएस्ट पावर दो है, यहां पे एक नहीं है, तो ये द्विघाती समीकरण हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन यानी कि रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। रैखिक समीकरण किसको कहेंगे, जिसका हाईएस्ट पावर एक हो, ठीक है, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। और इसमें दो है तो इसको द्विघाती बोलेंगे, क्लियर है। तो इस टाइप का समीकरण जो रहेगा जिसका हाईएस्ट पावर एक हो, उसे हम रैखिक समीकरण कहेंगे। हम इस अध्याय में जो सेंटेंस दिया होगा वाक्य, उससे समीकरण बनाना सीखेंगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक वाक्य बोलता हूं, ठीक है, ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका योगफल सात है, ठीक है, जिसका योगफल सात बोला है। तो हम क्या करेंगे कि माना वो दो संख्या एक्स और वाई है, अज्ञात हम लेंगे, तो एक्स और y दोनों का योगफल क्या सात बोला हूं, तो x और y को जब योग करूंगा तो सात होगा, ये समीकरण बन गया। इसी में अगर दूसरा केस और दिया रहेगा यही प्रश्न में कि इन्हीं दोनों का यानी x और y का जो हम लिए हैं उसका अंतर यानी कि डिफरेंस एक होगा, तो x माइनस वाई बराबर एक। जो अभी मैं सेंटेंस बोला उसे हम इक्वेशन समीकरण के रूप में ऐसा लिख सकेंगे। देखिए ऐसी कौन सी दो संख्या माना x और y है जिसका योग सात है और जिसका अंतर एक है। तो हम वाक्य से समीकरण बनाना सीखेंगे प्रश्नावली एक में। और देखिए अगर दो समीकरण है x प्लस वाई बराबर सात, x माइनस वाई बराबर सात, तो ये कोई भी समीकरण का तीन टाइप का ग्राफ बनेगा, आलेख बनेगा। देखिए तीन टाइप का सॉल्यूशन होता है, तीन टाइप का हल होता है समीकरण का। पहला क्या होगा, अद्वितीय हल। देखिए अद्वितीय हल मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि इसका कोई दूसरा और हल नहीं होगा, ठीक है। अद्वितीय हल में ही x और y का मान मिलता है, बाकी दो हल में नहीं मिलता। तीन प्रकार का हल होता है, पहला अद्वितीय हल, दूसरा अनेक हल या अंततः हल हम ये बोल सकते हैं, ठीक है, अनेक हल जिसमें बहुत सारा इसका नंबर मिलेगा, संख्या मिलेगा x और y का। और तीसरा जो कि लास्ट होगा, मैं इधर लिख देता हूं, कोई हल नहीं, यानी कि कोई भी x और y का मान नहीं मिलेगा। देखिए हमें पता कैसे चलेगा कि अद्वितीय हल है कि अनेक हल कि कोई हल नहीं। देखिए ये a b c, ठीक है, इसके मान से, a b c के मान से हम प्रश्नावली तीन में सीखेंगे कि इसके हम कैसे पता कर सकते हैं। अभी प्रश्नावली एक में ग्राफ से सीखेंगे यानी कि आलेख से। तो देखिए अगर ये दो समीकरण है, दोनों समीकरण का कुछ ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो जैसे कि ये x अक्ष और ये y अक्ष, ठीक है, यहां पे कुछ नंबर होगा, सपोज एक दो तीन, एक दो तीन। देखिए दो समीकरण है, दो लाइन बनेगा, सपोज एक लाइन ऐसा हो रहा है और एक लाइन ऐसा, ठीक है। ये समीकरण एक इक्वेशन एक के हिसाब से और ये इक्वेशन दो के हिसाब से लाइन बना है। लाइन कैसे बनेगा, x और y के डिफरेंट डिफरेंट मान के लिए, ठीक है, अलग अलग मान के लिए अलग अलग बिंदु मिलेगा, तो बिंदु को जब हम ज्वाइनिंग करते जाएंगे तो वो लाइन बनेगा, ठीक है। जैसे कि इसका तीन बिंदु और इसका तीन बिंदु। तो अद्वितीय हल में क्या होगा कि एक पॉइंट ऐसा होगा जो प्रतिच्छेद करेगा दोनों लाइन को आपस में, खाली एक ही पॉइंट होगा। तो वो पॉइंट क्या होगा, लेट सपोज कि इसका वो पॉइंट ये एक और दो का है, ठीक है, ये करेक्ट आएगा। तो x का क्या एक आया और y का क्या है दो, क्लियर है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो प्रतिच्छेद बिंदु है, तो x के जगह में एक आया और y के जगह में दो। तो खाली अद्वितीय हल में ही x और y का मान मिलेगा, ये बाकी में नहीं मिलेगा। बताऊंगा क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। दो इक्वेशन के हिसाब से दो लाइन बनाए, इसे हम जब आलेख विधि पढ़ेंगे ना, इसके बाद जब प्रश्नावली दो में जाएंगे तो उसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगा उसमें हम आलेख विधि पढ़ेंगे।
आलेख विधि से हम सीखेंगे कि दो समीकरण का दो लाइन कैसे बनेगा आलेख में, ठीक है। तो अभी बस इतना जान लो कि जैसे दो समीकरण बना तो एक प्रतिच्छेद बिंदु बनेगा, तो x का जो कोऑर्डिनेट होगा निर्देशांक वो x का मान और y का मान। तो अद्वितीय हल में हम इसको हल कर सके x का मान एक y का मान दो, क्लियर है। अब अनेक हल किसे बोलते हैं, जैसे कि ये ग्राफ है आलेख x और y, एक दो तीन एक दो तीन, सपोज ये ग्राफ है। अब देखिए अनेक हल, अनेक हल में क्या होता है कि जो लाइन है ओवरलैप होता है, यानी उसी के ऊपर आ जाता है। जैसे कि पहला इक्वेशन का लाइन ये हुआ, ठीक है, इसका बिंदु सपोज यहां एक और दो, ये पहला इक्वेशन, इस इक्वेशन का लाइन है सपोज, और दूसरा इक्वेशन का जो लाइन होगा ना इसी के ऊपर आ जाएगा, यानी कि ये जो जो बिंदु प्राप्त कर रहे हैं वही सेम बिंदु ये भी प्राप्त करेगा, ठीक है। हो सकता है ज्यादा और प्राप्त करे लेकिन इसी के स्ट्रेट लाइन में ही आएगा, ठीक है। तो ये जो है वो इक्वेशन टू है। अब देख लेते हैं कि एक पॉइंट दो पॉइंट तीन पॉइंट कॉमन होते जा रहा है, ठीक है, इसमें दो पॉइंट कॉमन है, तो किसे बोलेंगे हम यहाँ पे, किसी एक चीज को एक्स और वाई का मान नहीं बोल सकते, इसलिए हम इसे अनेक हल बोलते हैं और यहाँ पे एक्स और वाई का मान नहीं मिलता, ठीक है, एक्स और वाई का मान सिर्फ अद्वितीय हल में मिलता है। अब देखते हैं कोई हल नहीं, कोई हल नहीं में क्या होगा, जैसे कि एक आलेख होगा एक्स और वाई का, एक दो सपोज, कोई हल नहीं में पैरेलल जाएगा, दोनों लाइन समांतर हो जाएगा, जैसे कि एक लाइन, एक पहला समीकरण का लाइन ये है तो दूसरा समीकरण का लाइन ये हो जाएगा, ये कभी आपस में मिलेगा नहीं, ठीक है, ये कभी आपस में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये समांतर होगा, पैरेलल होगा एक दूसरे से, तो ऐसा कोई भी बिंदु आएगा नहीं जो प्रतिच्छेद करेगा, तो एक्स वाई का मान हम यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे, तो यहाँ पे कोई हल नहीं में एक्स वाई का मान नहीं मिलेगा, अनेक हल में भी नहीं मिलेगा, खाली अद्वितीय हल में मिलेगा, क्लियर है। तो अद्वितीय हल में दोनों समीकरण का जो लाइन है वो प्रतिच्छेद करेगा और वो प्रतिच्छेद बिंदु का एक्स निर्देशांक एक्स का मान और वाई निर्देशांक वाई का मान हो जाएगा। अनेक हल में दोनों लाइन ओवरलैप होगा, यानी कि एक के ऊपर एक आ जाएगा, तो यहां पे बहुत सारा पॉइंट ऐसा कॉमन आएगा, तो हम कोई बता नहीं सकेंगे कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। और वैसे ही कोई हल नहीं में लाइन पैरेलल होगा, समांतर होगा, कोई से भी ऐसा बिंदु नहीं होगा जिसमें कॉमन आ जाए, प्रतिच्छेद हो जाए, इसलिए हम एक्स और वाई का मान नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो ये रहा दो बेसिक कॉन्सेप्ट जो हम प्रश्नावली एक में पढ़ेंगे, पहला ये कि सेंटेंस दिया होगा वाक्य जिसमें हमें समीकरण बनाना होगा, और दूसरा हमें ग्राफ को देख के, आलेख को देख के ये बताना होगा कि वो कौन सा हल है, और अगर वो अद्वितीय हल होगा तो एक्स वाई का मान मिलेगा और बाकी दो हल के लिए एक्स वाई का मान नहीं मिलेगा। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली एक पर, देखिए पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए, हमें कथन दिया हुआ है उसको हमें समीकरण के रूप में लिखना है। देखिए प्रश्न क्रमांक एक का पहला प्रश्न, देखिए कथन क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने तीन बल्ले और छह गेंदे 3900 रुपए में खरीदी, वहीं से उन्होंने एक बल्ला और दो गेंदे 1300 रुपए में खरीदी। अब इसका हमें समीकरण बनाना है। देखिए यहाँ पे किसका बात हो रहा है, रुपए का बात हो रहा है, ठीक है, क्या दिया गया कि तीन बल्ले और छह गेंद 3900 रुपए में, तो रुपए का बात हुआ, इक्वल टू क्या रुपए में है ना, बराबर 3900 रुपए 1300 रुपए, तो जो x और y का जो मान होगा वो रुपए में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि माना x रुपए, बल्ले का रुपए x मान के चलते हैं, ठीक है, माना बल्ला x रुपए का है, बल्ला x रुपए और गेंद y रुपए, यह हम मानकर चलते हैं। अब प्रश्न के अनुसार से क्या हो रहा है कि प्रश्न अनुसार पहला केस, ठीक है, यानी कि प्रथम शर्त, तो प्रथम शर्त के हिसाब से यह बोला गया है कि एक विद्यालय की क्रिकेट कोच ने तीन बल्ले, तो तीन बल्ले, तो हम क्या मानकर चले हैं कि एक बल्ले का कीमत एक्स रुपए है, हम यह मानकर चल रहे, ठीक है, तो फिर तीन बल्ले का कीमत क्या हो जाएगा, तीन एक्स, क्लियर है। तो प्रथम शर्त के अनुसार से 3x ये बल्ले का हो गया पैसा, और गेंद का क्या दिया होगा, देखिए 6 गेंद, तो 6 और गेंद का रुपए कितना मानकर चले हैं, y, तो अगर एक गेंद का कीमत y तो 6 गेंद का 6y, तो 6y और एक बल्ले का कीमत x तो तीन बल्ले का 3x, दोनों को योग कर देंगे तो कितने 3900 रुपए में वो खरीदा, तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। अब देखते हैं दूसरा शर्त, देखिए क्या दिया हुआ है,
वहीं से उन्होंने एक बल्ला, तो एक बल्ला, तो एक बल्ले का कीमत कितना है, एक्स रुपए, तो एक्स धन क्या दिया, दो गेंद, तो दो वाई बराबर 1300 रुपए में खरीदी। तो ये दोनों हो गया समीकरण, ये हो गया उत्तर, क्लियर है। हम क्या करेंगे, बल्ला एक्स रुपए, तो हम ये मानकर चलते हैं कि एक बल्ला बराबर एक्स रुपए, एक गेंद बराबर वाई रुपए, ये मानकर चलेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न, तो देखिए इसी का दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, कथन पढ़ते हैं। दो संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो दो संख्या हम मानकर चलते हैं कि माना दो संख्याएं, दो संख्याएं x एंड y है, ठीक है, x और y में मानकर चलता हूं दो संख्या। अब प्रश्न के अनुसार से क्या बोला गया है वो देख लेते हैं कि दो संख्या, तो प्रथम शर्त और द्वितीय शर्त, प्रथम शर्त के अकॉर्डिंग अनुसार क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का योग 16 है, तो दो संख्या x और y है, तो दोनों का योग x धन y बराबर 16। दूसरा क्या बोला है कि दोनों का अंतर 8 है, तो x माइनस वाई, अंतर मतलब माइनस होगा, माइनस y बराबर 8, तो ये दोनों समीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बनेगा प्रश्न क्रमांक एक का एक और दो। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, देखिए क्या दिया हुआ है, एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपए। देखिए मूल्य 160 रुपए, यानी कि बराबर के बाद मूल्य दिया हुआ है, तो हम दो वेरिएबल लेंगे अंगूर और सेब के मूल्य के लिए, ठीक है। तो माना 1 किलोग्राम, क्या बोला गया पहले, सेब, तो 1 किलोग्राम सेब बराबर एक्स, ठीक है, मूल्य हम ये मानकर चलते हैं कि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य बराबर x, सेब का मूल्य बराबर x, और वहीं 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य बराबर y रुपए है, यह हम मानकर चलते हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार से देखते हैं दो शर्त क्या दिया हुआ है, देखिए पहला शर्त यह बोला गया है कि एक फल की दुकान पर 2 किलोग्राम सेब, तो 2 किलोग्राम सेब क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है x, तो 2 किलोग्राम का 2x, फिर धन 1 किलोग्राम अंगूर, तो 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य y, तो 2x धन y बराबर कितना 160 रुपए, ये पहला समीकरण दिया हुआ है। दूसरा क्या बोला गया, इसी में उसी दुकान पर 4 किलोग्राम सेब, तो 4 किलोग्राम सेब, तो यह हो जाएगा दूसरा शर्त, तो 4x हो जाएगा, 1 किलोग्राम सेब की कीमत x, तो 4 किलोग्राम 4x, धन अंगूर कितना दिया 2 किलोग्राम, तो 2y बराबर 300 रुपए, ये हो गया समीकरण, ठीक है, ये दोनों हो गया समीकरण प्रश्न के अनुसार से। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 4, देखिए क्या लिखा हुआ है, कथन, नरेश ने अपनी पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ये बोला गया। तो देखिए नरेश और उसकी पुत्री का बात हुआ है आयु का, तो हम मानकर चलते हैं कि माना नरेश की आयु, अभी प्रेजेंट में ना, नरेश की आयु x वर्ष होगा सपोज, और उसकी पुत्री की, नरेश की पुत्री की आयु y वर्ष, ये प्रेजेंट का बात हो रहा है अभी, ठीक है, वर्तमान का, कि नरेश की आयु अभी x है और उसकी पुत्री का आयु y है। लेकिन प्रश्न के अनुसार से अगर हम प्रथम शर्त देखें, ठीक है, मैं यहां पे लिखता हूं प्रथम शर्त, क्या बोला गया कि 7 साल पहले का बात हुआ है, तो 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगा बताइए, अगर अभी x है तो नरेश की आयु 7 साल पहले, तो मैं यहां पे लिखता हूं 7 साल पहले नरेश की आयु क्या हो जाएगा, x अभी जितना आयु है उसमें 7 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 7 साल पहले, तो अभी x है, वर्तमान में x लेकर चला हूं, तो 7 साल पहले क्या हो जाएगा, जितना भी आयु है अभी उसमें 7 माइनस हो जाएगा, उसी प्रकार उसकी पुत्री का आयु भी हो जाएगा 7 साल माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y है अभी प्रेजेंट में और 7 साल पहले क्या रहा होगा, तो y में से 7 अभी जितनी है उसमें 7 घटा दूंगा, तो 7 साल पहले का बात हो गया। देखिए क्या बोला गया है, 7 साल पहले, तो 7 साल पहले का आयु हमें पता चल गया, तुम्हारी आयु से 7 गुनी थी, ठीक है, तो नरेश की आयु जितना भी रहा होगा, कितना x माइनस 7 रहा होगा, इससे 7 गुना था, ठीक है, मतलब नरेश 7 गुना था अपने पुत्री से, तो उसकी पुत्री का आयु कितना है, y माइनस 7। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन यहां पे होता है कि 7 हम कहां पे लगाएंगे, 7 गुना बोला गया, ठीक है, देखिए प्रश्न में पहला केस में क्या बोला गया कि 7 गुना है,
तो 7 गुना हम यहाँ नरेश के एज में लगाएंगे वर्ड्स में कि पुत्री के में। बड़ा कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स के में माइंड में, लेकिन देखिए क्या होगा, हम यहाँ पे लगाएंगे। अब क्यों देखते हैं, देखिए ये है 7 साल पहले नरेश की आयु और ये है उसकी पुत्री की आयु। तो जब नरेश 7 गुना था तो 7 नरेश के साथ लगाना चाहिए ऐसा सोच रहे होंगे, लेकिन नहीं, यहाँ लगाएंगे। क्यों, देखिए यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, बराबर का चिन्ह। और बराबर का महत्व कब होगा, इंपॉर्टेंस कब होगा, कब होगा जब 7 इससे गुना करेंगे। देखिए सपोज अगर नरेश का आयु 49 रहा होगा, सपोज 49 रहा होगा तो इसके पुत्री का आयु कितना, 7 रहा होगा, ठीक है। तो बराबर कब होगा, जब 7 गुना करेंगे तो 7 से जब गुना करेंगे इसके पुत्री की आयु में, तब सती सती 49, ठीक है, तो ये 49 होगा, क्लियर है ना, तब जाके 49 होगा। इसलिए हम इसके पुत्री की आयु में 7 गुना करेंगे ताकि बराबर साइन का महत्व रहे, ठीक है। इसका जो पिता का आयु है वो बड़ा था और ये उसकी पुत्री का आयु छोटा था, तो छोटे संख्या से जब कुछ गुना करेंगे तब जाके बराबर होगा बड़ी संख्या से, ठीक है। तो फिर इसलिए यहाँ पे बराबर है, इसलिए उसके पुत्री की आयु में 7 गुना होगा, क्लियर है। अब देखिए इसे हमें समीकरण बनाना है तो इसको हल कर देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए एक्स माइनस 7 बराबर 7 गुना वाई, 7y माइनस 7 49 हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक्स प्लस 7y इधर आके माइनस 7y बराबर, देखिए ये जो माइनस 49 है उसको इस तरफ ला देता हूँ, क्या हो जाएगा प्लस 49 और इधर पहले से माइनस 7 बराबर 0। 49 में 7 घटा दूंगा कितना बचेगा 42, तो एक्स माइनस 7y ये क्या होगा प्लस माइनस, माइनस होगा लेकिन साइन रहेगा प्लस में। 49 में 7 घटा दूंगा कितना बचेगा 42, तो 42 बराबर 0। ये हो गया पहला समीकरण, उत्तर हो गया ये प्रथम शर्त के हिसाब से। अब देखते हैं द्वितीय शर्त, देखिए क्या बोला गया दूसरा शर्त, तो इसको मैं इधर हल करता हूं। द्वितीय शर्त देखिए क्या बोला गया है कि और अब से 3 साल बाद, अब से यानी कि अभी प्रेजेंट में कितना है x और y, तो 3 साल बाद क्या हो जाएगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 3 साल बाद नरेश की आयु क्या हो जाएगा 3 साल बाद, अभी x है तो 3 साल बाद तो x धन 3 हो जाएगा, क्लियर है। और उसी प्रकार उसकी पुत्री का आयु क्या हो जाएगा, अभी वाई है तो 3 साल बाद वाई प्लस 3 हो जाएगा, क्लियर है। तो देखिए फिर आगे क्या बोला गया है, मेरी आयु तुम्हारी आयु की 3 गुना हो जाएगी, तो नरेश 3 गुना हो जाएगा अपने पुत्री से। तो फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए नरेश एक्स धन 3 है और उसकी पुत्री वाई धन 3, 3 साल बाद नरेश जो है वो 3 गुना हो जाएगा, तो नरेश 3 गुना हो जाएगा तो नरेश बड़ा होगा, उसका आयु बड़ा ही होगा, उसकी पुत्री का आयु छोटा होगा, तो 3 कहाँ गुना करेंगे हम, उसके पुत्री की आयु में, ताकि छोटा संख्या के साथ अगर कुछ गुना करूं तो बड़े संख्या के बराबर हो, तब जाके ये बराबर का महत्व होगा। अब इसको मैं समीकरण लिखता हूँ, क्या हो जाएगा एक्स धन 3 बराबर ये हो जाएगा 3y धन 3 तीन 9 हो जाएगा, क्लियर है। एक्स ये माइनस 3y इधर हो जाए, प्लस 3y इधर आके माइनस 3y हो जाएगा, तो एक्स माइनस 3y बराबर, देखिए यह इधर 9 है, ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 हो जाएगा, तो 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 6, तो इसको मैं समीकरण लिख सकता हूँ, ठीक है, या फिर ये 6 को इस तरफ माइनस 6 में ला देता हूँ, तो एक्स माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0, इसको भी लिख सकता हूँ उत्तर, ठीक है। तो दोनों में से कोई सा भी सही है, तो इस प्रकार से बनेगा यह प्रश्न। अब देख लेते हैं पांचवा कथन क्या दिया हुआ है, देखिए एक व्यक्ति घर से कार्यालय तक जाने के लिए 90 किलोमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस टोटल दूरी कितना है घर से कार्यालय का 90 किलोमीटर बोला गया, इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का उपयोग करता है। व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी की दुगनी है, तो हमें समीकरण बताना है। देखिए सबसे पहले वो ट्रेन और टैक्सी दो चीज का यूज कर, ट्रेन और टैक्सी दो वाहन का उपयोग करता है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि माना जो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी, ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी हम x मान लेते हैं, x किलोमीटर, ठीक है, x किलोमीटर ट्रेन से तय करता है वो, और टैक्सी से y किलोमीटर, ठीक है, टैक्सी द्वारा तय की गई दूरी बराबर y किलोमीटर, हम ये मानकर चलते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है कि घर से लेके कार्यालय तक पूरा दूरी कितना है 90 किलोमीटर, इसका मतलब अगर वो ट्रेन और टैक्सी
ट्रेन और टैक्सी दो वाहन का प्रयोग करते हैं, तो पूरा कंप्लीट उसको अपने कार्यालय जाने में कितना 90 किलोमीटर का दूरी है बोला गया है, तो ट्रेन से कुछ एक्स किलोमीटर, तो मैं यहां पे लिखता हूं प्रथम शर्त, टोटल डिस्टेंस यानी कि कुल दूरी दिया गया, तो ट्रेन से कुछ एक्स किलोमीटर और टैक्सी से कुछ वाई किलोमीटर तय करेगा, तो ट्रेन और टैक्सी मिला के वो कार्यालय पहुंच जाएगा यानी कि 90 किलोमीटर कवर कर लेगा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा पहला समीकरण। क्लियर है? अब देखते हैं दूसरा क्या दिया गया है। इसके लिए वह ट्रेन और टैक्सी का प्रयोग करते हैं, व्यक्ति द्वारा टैक्सी से तय की गई दूरी ट्रेन से तय की गई दूरी से दोगुनी है, ये बोला गया है। तो टैक्सी, टैक्सी क्या है वाई और ट्रेन क्या है एक्स किलोमीटर, तो द्वितीय शर्त हम लिख लेते हैं, क्या बोला गया है कि ट्रेन से की गई दूरी एक्स बराबर किससे बराबर है, इस टैक्सी से जो भी डिस्टेंस ट्रेवल होता है दूरी वो दोगुना यानी कि 2y होगा। क्लियर है? देखिए ये बराबर कब होगा, x ट्रेन की दूरी बराबर होगा जब हम टैक्सी का जितना भी दूरी होगा उसको दोगुना कर देंगे। क्लियर है ना? जब सपोज x ये होगा 5 किलोमीटर सपोज, ठीक है, और ये होगा सपोज 2.5 किलोमीटर। क्लियर है? तो ट्रेन से 5 किलोमीटर दूरी तय करता है और टैक्सी से 2.5 किलोमीटर, तो देखिए दोनों बराबर कब होगा, क्या बोला कि दो गुना है, तो अगर ढाई से मैं दो को गुना कर दूंगा तब जाके ये दोनों बराबर होगा, तो छोटी संख्या यानी कि वाई से करूंगा, ठीक है। तो ट्रेन से तय की गई दूरी और टैक्सी से तय की गई दूरी डबल है ये बोला गया, तो x बराबर 2y लिखूंगा। अब देखिए क्या लिख सकता हूं, x माइनस 2y बराबर 0, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण, तो ये दो समीकरण आ जाएगा प्रश्न के अनुसार से। क्लियर है? अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक दो। देखिए इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बता चुका हूं कि किस प्रकार का ग्राफ यानी कि आलेख आएगा, तो कौन सा सॉल्यूशन कौन सा हल होगा। देखिए पहला क्या दिया है, निम्नलिखित समीकरणों के आलेख चित्रों को देखकर उनके हल के बारे में पता करें। पहला यानी कि अ दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है 3x धन 2y माइनस 12 बराबर 0, x माइनस y धन 1 बराबर 0। ग्राफ देखिए आलेख क्या है, 2, 3 पर दोनों समीकरण का जो लाइन है रेखा वो प्रतिच्छेद हो रहा है, इसका मतलब प्रतिच्छेद हो रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, ये अद्वितीय हल होता है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल में हमें x और y का मान मिलता है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 और y बराबर 3, क्योंकि जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो 2, 3 पर है जिसमें x का निर्देशांक 2 और y का निर्देशांक 3 है। क्लियर है? अब देखते हैं ब उसका दूसरा पार्ट। देखिए ग्राफ देखिए, इसमें दोनों समीकरण का लाइन एक ही में है, ओवरलैप है, यानी कि तीन बिंदु दिया हुआ है और तीनों बिंदु दोनों समीकरण के लिए सेम है, तो ये अनेक हल होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा सॉल्यूशन मिल रहा है, बहुत सारा हल मिल रहा है, तो ये हो जाएगा अनेक या अंतता बोलते हैं, अनेक हल, और अनेक हल में x और y का मान नहीं मिलता, तो यहां पे नहीं आएगा x और y का मान। अब देखते हैं तीसरा पार्ट जो कि दिया हुआ है स, क्या दिया है, ग्राफ देखिए आलेख दोनों पैरेलल लाइन दिया हुआ है यानी कि समांतर रेखा, और समांतर रेखा में क्या होता है, कोई हल नहीं, क्योंकि कोई सा भी ऐसा बिंदु नहीं होता जो प्रतिच्छेद होता है, तो कोई हल नहीं, और कोई हल नहीं में भी x और y का मान नहीं मिलता, यह हमें पता है। अब देखते हैं लास्ट द, देखिए दोनों समीकरण का रेखा दिया हुआ है जो कि एक बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, इसका मतलब ये अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल। अब देखिए अद्वितीय हल है तो कौन से बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है, -1, 2, तो x और y का मान कुछ मिलेगा, x का मान क्या होगा -1 और y का मान क्या होगा 2, क्योंकि -1, 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद हो रहा है। क्लियर है? तो इस प्रकार से यह प्रश्नावली एक कंप्लीट। थैंक यू। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगों पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।